जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार रहने वाला है और आज जो है करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और गिव अवे जो है एप्पल की तरह दिखने वाली एप्पल वॉच विथ ओरिजिनल लोगो। जी हाँ गाइस, देखेंगे क्या खास और यूनिक है और गिव अवे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड के अंदर। और हाँ, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ई टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, हमने ये परचेस किया है इंस्टाग्राम सेलर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों के मुझे यहाँ पे कमेंट्स आती है क्या ये ट्रस्टेबल है या नहीं, लेकिन गाइज ये 100% यहाँ पे ट्रस्टेबल है और आप यहाँ से परचेस भी कर सकते हो। सो हमारे पास है एप्पल का क्लोन वॉच जो एग्जैक्टली सिमिलर है एप्पल की ओरिजिनल वॉच की तरह। और गाइज बिलीव मी, इसका बॉक्स जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे ओरिजिनल फील वाला है। सो ये कुछ ऐसे पैकिंग में हमें मिल जाता है और पीछे जो है वो भी यहाँ पे सिमिलर टू एप्पल वॉच की तरह हमें मिलता है। तो बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे पहनते हैं वॉच को, जैसे आपको एप्पल वॉच के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो हमारा स्मार्ट वॉच है उसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ये कुछ ऐसे मिल जाता है हमारा एप्पल वॉच विथ लोगो। बॉक्स के अंदर से देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है। सो रिमूव कर देते हैं इसे। सो हमें मिल जाता है एक चार्जर एडेप्टर और यहाँ पे मुझे मीन्स बिलीव नहीं होता है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है जैसे आपको एप्पल के अंदर मिलता है। तो मीन्स दिस इज़ अमेजिंग और इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो स्टिकर को यहाँ पे पील ऑफ कर देते हैं। सो इतना आपको मिल जाएगा फ्रॉम द बॉक्स कंटेंट: इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चार्जिंग एडेप्टर, वायरलेस चार्जर एंड एप्पल वॉच विथ लोगो। सो गाइस, जब बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन और लुक की तो काफ़ी सिमिलर है एप्पल की तरह। यहाँ पे एक छोटा सा आपको पावर बटन मिल जाता है जो आपको ऐसे देखने में फील नहीं होगा। काफ़ी यहाँ पे सुपरली ये डिज़ाइन है। उसके ऊपर एक छोटा सा होल है फॉर द माइक्रोफोन जहाँ पे आप बात कर सकते हो जब आपको कॉल आएगा। और उसके ऊपर क्राउन, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो होल है लेकिन गाइज यहाँ पे एक ही माइक्रोफोन है, एक जो है वो है शो पीस के लिए। पीछे आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिल जाता है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बेल्ट का लॉक का भी अरेंजमेंट है सेम एज एप्पल। मीन्स जितने भी आप एप्पल के क्लोन वॉच देख लो तो किसी में भी यहाँ पे ऐसा लॉकिंग वाला अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको ये जो सीरीज 6 वॉच है उसके अंदर ही ये मिल जाता है। मीन्स दिस इज़ अमेजिंग। काफ़ी सारे जो फर्स्ट क्लोन वॉच आते हैं वो सब के अंदर वही एक प्रॉब्लम रहता है कि बेल्ट जो है वो लूज़ हो जाता है, निकल जाता है। तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला है आपके साथ। यहाँ पे जो स्ट्रैप्स है उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है और ठीक है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। सो गाइज, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपर है। और यहाँ पे हम पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं कैसा लगता है एप्पल का लोगो। सो दैट्स इट गाइस, ये आ गया है हमारे पास एप्पल का लोगो वाला वॉच जो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और एग्जैक्टली यहाँ पे सिमिलर है। सो वॉच को सेटअप कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें बाकी के फंक्शन मिल जाते हैं। सो ये कुछ ऐसा लगेगा जब आप इसे वियर करोगे ऑन योर हैंड। सो काफ़ी सिमिलर है और गाइस बिलीव मी, जो इसका जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी सुपरबली ये वर्क करता है। अगर जब इसे पावर ऑफ करते हैं या तो फिर आप इसे जब पावर ऑन करते हो तो दोनों टाइम पे यहाँ पे एप्पल का जो लोगो है वो यहाँ पे आता है डिस्प्ले के अंदर। द मोस्ट अमेजिंग वर्क मुझे लगा कि यहाँ पे जो वॉच फेस है वो डायरेक्टली चेंज नहीं होते हैं क्राउन बटन के साथ। यानी उसमें क्या होता है, अगर आप वॉच पहनते हो तो जैसे ही क्राउन टच हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सेम एज एप्पल की तरह आपको यहाँ पे मिलता है तो आपको डायल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्राउन बटन वो वर्क करेगा। तो ये कमाल का यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट लगा। सो देखते हैं कितने यहाँ पे हमें वॉच फेसेस मिल जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हो गए 16, यानी 15 टोटल यहाँ पे वॉच फेस इनबिल्ट आपको मिल जाते हैं। और एप्लीकेशन के थ्रू आप और भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले ये ऐप जो है वो आपको यहाँ पे स्कैन करना है आपके मोबाइल में और ऐप का जो नेम है वो है क्यूडीफिट। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है और गाइज यहाँ पे जितने भी परमिशन है उसको यहाँ पे अलाउ करना है।
अगर आप कोई भी एक परमिशन को यहाँ पे अलाउ नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा। सो बाइंड करना काफ़ी इजी है, कनेक्ट टू वॉच करना है और ब्लूटूथ को आप मेक श्योर कर दीजिए टर्न ऑन है। ब्लूटूथ और GPS गाइस दोनों को यहाँ पर टर्न ऑन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये शो कर देगा और आ जाएगा आपका वॉच आपके मोबाइल के अंदर। सो आप यहाँ पर जो डायल है उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और मेक श्योर कर दीजिए यहाँ पे आपने परमिशन को अलाउ किया है। सो गाइज ये काफ़ी इजी है कनेक्ट करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डायल पुश, यानी ये जो जितने भी डायल है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो आपके एप्पल वॉच के अंदर भी। और गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे आप यहाँ पे जाते हो मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ में, तो यहाँ पे सीरीज 6 जो है उसका काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आपको जाना है सेटिंग में और मेक श्योर करना है यहाँ पे भी सभी परमिशन को अलाउ किया है या नहीं। अगर यहाँ पे अलाउ नहीं किया है तो आपको फ़ोन नहीं आएगा या तो फिर नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन फीचर। सबसे पहला जो फीचर है वो है रेज टू वेक, जैसे आप यहाँ पे रेज करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो टर्न ऑन हो जाएगा और बिलीव मी इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी यहाँ पे क्विक है। अगर बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस की तो इंडोर कंडीशन में काफ़ी सुपरबली ये वर्क करता है, तो टेस्ट करते हैं आउटडोर कंडीशन में कैसा यहाँ पे वर्क करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टरनून के यहाँ पे 12 o'clock हो गए हैं और गाइस बिलीव मी आउटडोर कंडीशन में भी काफ़ी सुपरबली यहाँ पे ये वर्क करता है। मींस दिस इज़ द कम्प्लीटली पैसा वसूल वॉच और यहाँ पे जो AMOLED डिस्प्ले का जो वर्क है वो काफ़ी यहाँ पे सुपर्ब है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर से वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है। जैसे आप वॉच को चार्जर के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉच को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन लाइट भी आता है इंडिकेशन के लिए और जो वॉच फेस है उसके अंदर भी यहाँ पे बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो करता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो 0, 25, 50 या तो फिर 100% में ही यहाँ पे आता है, बीच में यहाँ पे कुछ आता नहीं है। अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो एप्पल की जो ओरिजिनल वॉच आती है उसकी बैटरी लाइफ 18 hours चलती है। अगर आप इसे यूज़ करोगे फुल डे विद ब्लूटूथ कनेक्शन तो गाइज इसकी भी लाइफ जो है वो 12 to 18 hours ही आपको मिलेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे और एक ट्रिक है, इसकी जो लाइफ है उसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप डबल कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है आपके मोबाइल के अंदर, वहाँ पर जाना है आपको ब्लूटूथ के अंदर। ब्लूटूथ के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सीरीज 6 सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर मीडिया ऑडियो को यहाँ पर डिसेबल कर देना है, क्योंकि गाइज जब आप इसे डिसेबल करते हो तो ये एक्ट नहीं करता एज अ ब्लूटूथ स्पीकर और काफ़ी सारा यहाँ पे जो बैटरी है वो यहाँ पे ड्रेन नहीं होता है और आपका बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाएगा। या तो फिर आप डिसेबल कर सकते हो फ़ोन कॉल्स को भी, तो भी ये बैटरी लाइफ काफ़ी यहाँ पे यूज इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे OS की तो गाइज बिलीव मी काफ़ी स्मूथ है। अगर यहाँ पे बात करें ऐप ड्रोअर की तो सिमिलर ऐप ड्रोअर जैसे एप्पल के अंदर मिलता है वैसा ही आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी क्विक और रिस्पॉन्सिव। लेकिन गाइज हम इसे स्विच कर सकते हैं 9 ऐप के अंदर भी। सो दोस्तों अगर इसे हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज करते हैं आपके मोबाइल से तो सारे के सारे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉच के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे और आप यहाँ से डायल भी कर सकते हो या तो फिर जो डायल पेड है वहाँ से भी आप क्विक डायल कर सकते हो कोई भी नंबर को। यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो है कॉल लॉग, तो जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो आपने किसको फ़ोन किया है या तो फिर आपको किसका फ़ोन आया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और वहाँ से भी क्विक डायल कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक फीचर है जो काफ़ी कूल लगा मुझे, हर एक ऐप का अपने आइकॉन के हिसाब से यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाता है और यहाँ पर हिंदी जो लैंग्वेज है उसको भी ये सपोर्ट करता है। मीन्स इज़ वेरी ऑसम। सो गाइज काफ़ी फुल्ली लोडेड वाली आपको कम्प्लीटली फीचर वाली यहाँ पे वॉच मिलती है, इंक्लूडिंग सर्च माई डिवाइस। यहाँ पे आप कैलेंडर जो है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से सभी जगह पे यहाँ पे जो क्राउन है वो वर्क करता है। यहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो आपके नोटिफिकेशन को, ब्लूटूथ म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो या तो फिर आप यहाँ से ब्लूटूथ कैमरा यानी आपका मोबाइल का जो कैमरा है वहाँ से भी आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक ब्लूटूथ कनेक्शन है किसके साथ इसको कनेक्ट किया है, यहाँ पे आ जाता है फाइल मैनेजर जिसके अंदर आप क्लियर कर सकते हो या तो फिर यहाँ पर आपको सैनिटरी अलर्ट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऐप ड्रोवर, ऐप जो है गाइज ये जो ऐप डाउनलोड है जहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है और आई जो है वो है अबाउट इन्फॉर्मेशन।
इसके अलावा गाइज काफ़ी सारे फीचर है, जैसे कि आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हो, क्विक चेंज कर सकते हो, टाइम को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सो गाइज काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग रेस टू वेक। सो स्टॉप वॉच यहाँ पे मिल जाता है आपको, कैलकुलेटर, वाओ। यहाँ पे आपको और एक जो कूल फीचर मिलता है वो है गाइज थीम। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आप थीम जो है बैकग्राउंड की वो चेंज कर सकते हो। मीन्स और कोई स्मार्ट वॉच जो है, जो एप्पल के क्लोन वॉच हो, उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते हो। और सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग, डायल सेटिंग, यूनिट सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग या तो फिर ब्राइटनेस कंट्रोल, तो वो सब यहाँ पे आपको एज यूजुअल मिल जाता है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस के लेवल को भी चेंज कर सकते हो, या तो फिर जो शॉर्टकट है नोटिफिकेशन बार वाला, वहाँ से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो गाइज बिलीव मी, काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर है, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, वॉकिंग है आउटडोर के अंदर। तो गाइज वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो, और जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप GPS ट्रैकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ECG भी मिल जाता है। सो गाइज दिस इज़ वेरी कूल। सो अगर बात करें यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, तो गाइज यहाँ पे आप इजीली आपका जो हार्ट रेट है उसे मेजर कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है, आप इसे कम्प्लीटली टाइट वेयर करें ताकि जो रीडिंग है वो काफ़ी आपको यहाँ पे एक्यूरेट मिले। लेकिन गाइज बिलीव मी, कोई भी स्मार्ट वॉच हो, आपको इतना एक्यूरेट यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलता है, क्योंकि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो आप यहाँ पे हार्ट रेट मेज़र कर सकते हो, और आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर वो भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और एक कूल फीचर है, वो है टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो आप ये स्मार्ट वॉच की हेल्प से टेम्परेचर जो है उसको भी यहाँ पे इजीली मेज़र कर सकते हो। और हाँ, आप यहाँ पे SpO2 भी मेज़र कर सकते हो, जिसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। और यहाँ पे आप ECG जो है वो भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हो, सेम एज ओरिजिनल एप्पल वॉच। सो गाइज आफ्टर एप्पल वॉच सिर्फ यही वॉच है जहाँ पे आप ECG भी मेज़र कर सकते हो। सो गाइज अगर फाइनली बात करें यहाँ पे कंक्लूजन में, तो 5000 रुपीज़ में एकदम ही आपको एकदम सही वाला प्रीमियम वर्जन मिलता है। और हाँ, यहाँ पे एप्पल का जो लोगो है ऐसा ही यहाँ पे उसका वर्क भी मिल जाता है, सारे के सारे फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ECG और टेम्परेचर मेजरमेंट। सो गाइज बिलीव मी, काफ़ी यहाँ पे सुपरली ये वर्क करता है और कम्प्लीटली यहाँ पे पैसा वसूल है। इनफैक्ट इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एप्पल क्लोन वॉच। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर बात करें यहाँ पे गिव और स्टेप्स की, तो काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में जाके मुझे बताना है क्या यूनिक और खास लगा एप्पल की क्लोन वॉच में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।